गाइस क्या आप जानते हो आपके कोर मजल्स को ट्रेन करना आपके दूसरे मजल्स को ट्रेन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कोर एक की रोल प्ले करता है आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने रहने में फॉर ए लॉन्गर टाइम सो आपको जानना है इस मजल्स के बारे में थोड़ा ज्यादा और कैसे आप इसको स्ट्रांग बना सकते हो जिससे आप हेल्दी रह सकते हो फॉर लॉन्गर पीरियड जस्ट गेट इन टू दिस वीडियो गाइस क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल वाटर कोर मजल्स हाउ यू कैन एक्टिवेट देम how you can uh, increase the strength in those muscles and how you can stay for fitter and longer hi guys this is sanju kaliwala i am the founder of the natural lifestyle hub and on a mission to help at least hundred thousand working professionals to achieve their good health to achieve their fitness and even to achieve their longevity by using all natural techniques so guys without wasting your time let's do the video सो गाइस फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट व्हाट आर कोर मजल्स होते हैं सो so, जब बात कोर की होती है तो so ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ अपडाउन मजल्स या सिक्स पैक मजल का पिक्चर आता है बट गाइस कोर मजल्स आर नॉट ओनली द अपडाउन और सिक्स पैक मजल्स ये वो मजल्स होते हैं जो आपके स्पाइन को सराउंड करते हैं जो हेल्प करते हैं आपके मजल आपके स्पाइन को टू परफॉर्म हिथ एक्टिविटी सेफली एंड इफेक्टिवली जैसे हो गए आपके सिक्स पैक और ऑब्डामन मजल्स और जो ट्रांसफर्स ऑब्डामन मजल्स होते हैं इन साइड में होते हैं, आपके ऑब्लिक्स आपके ग्लूट्स एंड इवन द बैक्स लोअर बैक मजल जो हेल्प करते हैं आपके स्पाइन को सेफ रखने में जल्स विच आर कवरिंग योर स्पाइन कलेक्टिवलीज कोर मजल्स सो क्यों कोर मजल स्ट्रांग होने चाहिएगा इस क्योंकि कोर मजल्स आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी जैसे आप रनिंग कर रहे हो चल रहे हो बैठ रहे हो उठ रहे हो बेंडिंग एंड लिफ्टिंग और लिफ्टिंग सम वेट्स ये सब मूवमेंट्स में आपके कोर मजल एक की रोल प्ले करते हैं आपको सेफ रखने में एंड इवन दे विल प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग योर बैलेंस इसी की वजह से आपके कोर मजल स्ट्रॉन्ग रहना एक जरूरी फैक्टर बन जाता है कंपेयर टू एनी अदर मसल्स लेट मी एक्सप्लेन फ्यू बेनिफिट्स ऑफ योर स्ट्रॉन्ग कोर सो उसमें सबसे पहला बेनिफिट है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है इट्स ए फाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट आप कौन सा भी मूवमेंट दे रहे हो यूर कोर विल प्ले ए की रोल सेकेंड इट विल हेल्प टू मेंटेन योर बैलेंस आपकी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में आपका कोर का बहुत बड़ा रोल होता है थर्ड इट विल हेल्प यू टू मेंटेन ए प्रॉपर पोस्टर अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली विल बी हैविंग ए गुड पोस्टर अगर आपका पोस्टर सही है तो इट विल पुट लो स्ट्रेस ऑन यूअर स्पाइन फोर्थ इट विल एनहस यूर परफॉर्मेंस इफ यू आर एथलीट और इफ यू आर ए पर्सन हु लिफ्ट वेट इन यूर डेली लाइफ स्टाइल और इफ यू आर ए पर्सन हु स्पेंड

सेकेंड अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो क्या करना चाहिए और थर्ड ऑब्वियसली आप एडवांस एक प्रो लेवल पे हो तो कैसे वर्कआउट्स आपको सुटेबल होते हैं सो so, अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो यू कैन स्टार्ट विथ बेसिक मूवमेंट्स जैसे हो गया आपका बर्ड डॉग ये वर्कआउट में आप अपना बेस ऑफ सपोर्ट कम कर रहे हो और अपने कोर को एक्टिवेट कर कॉर्डर ऑफ होल्ड यू कैन गो फॉर बेसिक प्लैंक्स नी प्लैंक्स अल्टरनेट प्लैंक और इवन यू कैन गो फॉर डेड बग्स तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कोर मजल का मतलब सिर्फ अबडमन मजल नहीं होते हैं इवन द मजल्स विच कवर फ्रॉम बैक साइड सो उस मजल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए यू कैन एड ब्रिजस जो सीधा आपके ग्लूट्स को एक्टिवेट करेगा एंड इवन यू कैन डू पोज़स तो इस तरह के प्लान में यू आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन योर अबडोमन मजल्स इवन यू आर एक्टिवेटिंग योर ग्लूट इवन यू आर एक्टिवेटिंग योर मजल्स विच आर कवरिंग योर स्पाइन सो so, ये थे बेसिक स्टार्टिंग काइंड ऑफ वर्कआउट्स गाइड्स सो so, हमेशा आपको ध्यान में रखना ये है कि आपके कोर मजल्स जो है बैलेंसिंग मजल्स होते हैं सो so, ट्राई करिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से उसको हिट करने के लिए और जितना आप अपना बेस ऑफ सपोर्ट कम करते जाओगे जितना आपकी बॉडी बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल करेंगी उतना आपके कोर मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे कंफ्यूज सो लेट मी एक्सप्लेन तो अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या बिगिनर लेवल पे हो या प्रो लेवल पे हो गाइस आपके जो कोर वर्कआउट्स में मूवमेंट आप ऐड करने चाहिए डायनामिक के साथ साथ स्टैटिक जैसे डायनामिक मूवमेंट मीनस यू आर गिविंग मूवमेंट स्टैटिक मीस यू आर होल्डिंग योर सेल्फ इन ए सर्टन पोजिशन फॉर ए सर्टन टाइम सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरमीडिएट यू कैन स्टार्ट एडिंग क्रंशस जो आपके कोर को एक्टिवेट कर लेते हुए एंड यू कैन स्टार्ट एडिंग डिग्री यू कैन गो फॉर प्लैंक्स ये स्टेटिक मोमेंट हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे आप खुद को होल्ड कर रहे हो फॉर ए सर्टन टाइम एंड देर आर सो मेनी कोर वर्कआउट यू कैन फाइंड आई कीप ऑन शेयरिंग इन माई विडियो जहां से आपको आइडिया आ जाएगा आपको क्या क्या एड करना है सो so अगर आप एडवांस uh, लेवल पे हो प्रो लेवल पे हो तो आपको क्या करना चाहिए ऑन क्रंचर्स लेगरेजर्स ये चीजों पे से ध्यान हटा के आप ट्राई करिए फोकसिंग ऑन योर बैलेंसिंग वर्कआउट्स जैसे हो गए आपका सिंगल लेग प्लैंक और पुश थ्रू प्लैंक जै, जैसे कि प्लैंक पोजिशन पे चले जाते हो एंड यू विल बी कीप ऑन द वेट्स यहाँ पे आप अपना बैलेंस बेस ऑफ सपोर्ट कम कर रहे हो एंड एक्टिवेटिंग थर्ड यू कैन एड उड मॉर्निंग रेजर्स एंड इफ यू आर गोइंग फॉर क्रंचेस गो फॉर वेटेड क्रंचस So, ये सब चीजें थोड़े एडवांस लेवल के लिए सही रहेंगी गाइस क्योंकि उस टाइम तक आप अपने मदल को कैसे एक्टिवेट करना सीख लोगे so, बहुत सारे होते आपके कोर को करके और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मैं भी शेयर करते रहता हूँ अपने चैनल पे सो so, आपको पता लगाना है कौन से कौन से वर्कआउट्स आपको करना है वॉट यूर डू डू गाइस जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आईकॉन जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियो के और उस वीडियोस के मदद से यू कैन डिजाइन ए इफेक्टिव वर्कआउट प्लान एज पर यूर लेवल ये थे थोड़े benefits, थोड़े बेनिफिट्स, फॉर यूर कोर अब थोड़े डूस एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं सो so, सबसे पहले डोंट सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखना है कि आपके कोर मजल्स भी आपके दूसरे मजल्स के जैसे ही होते हैं सो यू हैव टू ट्रीट इट एज अदर मजल एंड यू अप्रोप्रिएट रेस्ट टू रिकवर कुछ लोग डेली अपने कोर मजल्स पे काम करते रहते हैं और उनको रिकवरी के लिए टाइम ही नहीं देते हैं जो लीड करता है ओवर ट्रेनिंग सेकेंड अवॉइड वर्किंग आउट ऑन योर कोर इन मिडिल ऑफ एनी अदर वर्कआउट बिकॉज आपका कोर मजल्स का बहुत मल्टीपुल फंक्शन होते हैं जैसे मैंने शेयर किया इस वीडियो में अगर उस वो मजल्स को आप एग्जॉस्ट कर दोगे आप थका दोगे तो दे वी एबल टू सपोर्ट यू इन यूर अदर मजल्स so keep the core workout either in the end of your workout session or in the other time of your day and third always focus on the form focus on the quality instead of quantity so repetitions ज्यादा करना heavy load से करना ये सब चीजों को बाजू रख के पहले अपने फॉर्म पे ध्यान दीजिए देखिए आप कैसे अपने कोर मसल्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में देन एग्जीक्यूट द वर्कआउट एंड फोर्थ

Till the time, stay healthy, stay fit and stay natural. Bye.